ये प्यास ही है जो हम सभी को दिलेर बनाती है, चाहे पक्षी हो या इंसान। अब चाहे प्यास गला तर करने की हो या मन को तरबतर करने की हो, जिंदगी में यदि प्यास नहीं होगी। प्यास का कहने का आशय है, आर्टिस्ट शालिनी अग्रवाल ने इसको इस तरीके से बताने की कोशिश की तस्वीर के जरिए, कि इंसान के मन में एक प्यास होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए इस बात की कि वो उसको मंजिल तक पहुंचना है, उसको किसी तरीके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही वो प्रयास करेगा। तो ये तभी संभव है जब उसके मन में उसको पाने की तृष्णा होगी। उसी तरीके से जिस तरीके से एक पक्षी आकाश में उड़ता है और उसे प्यास लगती है, तो वो पूरी तरीके से अपनी प्यास को बुझाने का रास्ता ढूंढ लेता है। मनुष्य भी अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करता है। प्यास भौतिक भी हो सकती है, प्यास अलौकिक भी हो सकती है। इसीलिए इट्स द थर्स्ट दैट मेक अस करेजस, वेदर बर्ड और ह्यूमन, बट इट डिपेंड्स वेदर द थर्स्ट इज टू क्वेंच द थ्रोट और इट टू शावर द हार्ट।